ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त रविवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, आज आपकी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार आ जाएगा। अचानक से धन प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविष्य में आपके लिए एक बेहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा के लिए बेहतरीन समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप में आज ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा। दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार से आप दिमाग से काम लेंगे। साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं। किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा और टकराव की स्थितियों से आज आप बचकर चलें। आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे। दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति आज काफी बेहतर रहने वाली है और आप समय पड़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों की आर्थिक सहायता करेंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने से अच्छे धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रयास बेहतर हो सकता है। कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होने की संभावना है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ धन लाभ के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए कामयाबी और खुशहाली लाएगा। अपने उद्देश्यों की ओर शांति से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है। अगर हालात का आपने धैर्य से सामना करा तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कामकाज के नजरिए से आज का दिन वाकई में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, आपको अपने भाई बहनों का आज पूरा सहयोग प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। आपको परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंत्रण से बाहर होगी और इसके लिए आप परेशान भी होंगे। दोस्तों, साथ ही साथ कोई खास सौदा या बड़ा फैसला लेने से बचें। कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परेशान हो सकते हैं। दिन भर कहीं ना कहीं से रुकावट की स्थिति रहेगी। जोश में आकर किसी को भी कोई बिना मांगी सलाह ना दें। कठिन परिश्रम से सभी कार्य आपके पूरे होंगे लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। लेने देन में सावधानी बरतें। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती है। संवेदनशील मामलों में संभल कर चलने की आपको आज आवश्यकता है। संसाधनों पर खर्च होने से मानसिक अशांति तथा तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आत्मविश्वास के अभाव में किए गए कार्यों में रुकावट तथा बाधा उत्पन्न हो सकती है। व्यवसायिक दृष्टि से समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कोई नई कार्य योजना को विस्तार देना परेशानियों का कारण हो सकता है। कुछ तनाव और मतभेद आपको चिड़चिड़ा और बेचैन बना सकते हैं। आप अपने परिचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। सुनी अनसुनी बातों पर आंखें मूंदकर यकीन ना करें और उनकी सच्चाई को भली भांति परखें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा कलह होने की संभावना भी रहेगी। सावधान रहें।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। दोस्तों किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की शॉपिंग इत्यादि को लेकर कहासुनी हो सकती है, ऐसे में आपको मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करना आवश्यक है। आपके प्रयास से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आप अपने रिश्ते को नई रचनात्मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आकर्षण भी महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचरण करना ही सर्वथा उचित होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने प्रियतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तव में यह रिश्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रियतम ही आपके लिए सब कुछ है। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होने वाला है। दोस्तों इस दिन का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों व्यापार धंधा आज अच्छा चलेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हालांकि कार्यभार की अधिकता रहेगी, जिसके चलते मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी और पूरा दिन भागदौड़ में बीतेगा। कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगी। साथ ही साथ आज आपको धन प्राप्ति के भी अनेक अवसरों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। दोस्तों साथ ही साथ मेडिकल से जुड़े छात्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी दिन आज का काफी मिला जुला रहने वाला है। साथ ही साथ आज आपको अपने व्यवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं, जिनका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों व्यवसायिक दृष्टि से आज की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपका स्वास्थ्य आपका भरपूर साथ देगा। आज आपके स्वास्थ्य के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे। आज आप अपने आप को ऊर्जावान और बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस करेंगे, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद किसी गरीब असहाय रोगी या फिर किन्नरों की सहायता किसी भी रूप में अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और भगवान सूर्यदेव आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही हैं समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपके जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां होंगी। या दोस्तों आप इस प्रकार किसी की सहायता अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।